वंस अगेन वेलकम टू वाह क्या स्वाद विद वेरी स्पेशल एसेंस ऑफ आर्द्रा। आर्द्रा स्पेशल मील बस आधे घंटे में हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दाल की पूरी का प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले चने का दाल लेंगे और दाल को अच्छी तरह दो तीन पानी से साफ कर लेंगे। और फिर हम इसे एक कुकर में डालकर पानी डाल के नमक हल्दी और हींग डालकर कुकर को सेट कर देंगे। तीन से चार विसिल लगा लेंगे। और एक तरफ हम एक इसी पैन में दूध बॉयल होने भी चढ़ा देंगे। एक बाउल में हम चावल को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे खीर बनाने के लिए। इसे साइड में रखते हुए हम परवल को हल्का पील कर लेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए धुले हुए चावल को हम दूध में डाल देंगे। दो तीन मिनट में थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो जाएगा, पर इसे हम बेस से टाइम टू टाइम चलाते रहेंगे। अब हम सारे परवल को अपने मनचाहे आकार में काट लेंगे और बीच बीच में हम खीर को भी चलाते रहेंगे। एक कढ़ाई या पैन को हम गैस पे चढ़ा लेंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए उसमें सरसों का तेल डालेंगे। परवल के टुकड़ों को हम उसमें डालकर फ्राई करेंगे। परवल को हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और बीच बीच में हम खीर पर भी नजर रखेंगे। परवल को भी हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। और जब तक परवल फ्राई हो रहे हैं आलू को छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। परवल फ्राई हो गया है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। खीर पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, इसके लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और सेम पैन में उसी तेल में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। हम फ्राई करते रहेंगे। और इधर कुकर में जो दाल चढ़ाया था वो अच्छी तरह कुक हो चुकी है। इसे हम चेक कर लेंगे। दाल पूरी के लिए हमें ऐसी ही दाल चाहिए जो देखने में खड़ी हो पर वो पक चुकी हो अच्छी तरह। खीर अब हो चुकी है तो अब हम इसमें इलायची पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से काजू किशमिश या कोई और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो हमें पसंद हो। इधर आलू भी फ्राई हो चुका है। आलू को भी हम पैन से बाहर कर लेंगे। सेम पैन में थोड़ी सी और तेल डालेंगे, उसमें जीरा हींग कुछ मिक्स मसाले हल्दी नमक गर्म मसाले
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब मसाले अच्छी तरह भून जाएं तो हम इनमें बॉइल्ड दाल को ऐड करेंगे और फिर इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मैंने सब्जी या दाल में प्याज या लहसुन का यूज नहीं किया है तो यहाँ हींग और मसालों का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। दाल भी बनकर तैयार है। और इधर कुकर में हम पंचफोरन, तेल, हींग, तेज पत्ते, सूखी मिर्ची, टमाटर, आवश्यकता अनुसार मसाले डालकर थोड़ी सी पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसे ही मसालों से तेल आने लगे हम गर्म मसाला डालेंगे और फ्राई किए हुए आलू और परवल को इसमें डालकर थोड़ी सी पानी डालकर एक विसिल लगा लेंगे। सेम कढ़ाई में हम अपने हिसाब से कोई भी कुकिंग ऑयल डालेंगे और फिर हम गूंदे हुए आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। आटे को भी मैंने इसी बीच में गूंद लिया है और फिर इसमें हम जो दाल का मिक्सचर तैयार किया था उसे स्टफ करेंगे। इस तरह से हाथों से गोल करते हुए हल्के हाथों से बेल लेंगे। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दाल की पूरी खाने में काफी टेस्टी होती है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को गोल करके और हाथों से इस तरह से फैलाते हुए बेलन की सहायता से बेल लेंगे और सबको फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं कि सब्जी, पूरी और खीर सब कुछ तैयार है। बिल्कुल आधे घंटे के अंदर में झटपट से हमारा आर्द्रा स्पेशल मील बनकर तैयार है। तो आर्द्रा है और आर्द्रा में आम जरूर से खाना चाहिए। तो आप भी आर्द्रा स्पेशल मील जरूर बनाइए। इस तरह से टाइम को मैनेज करते हुए अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है। बस आर्द्रा स्पेशल मील बनाने में आधे घंटे का समय लगता है, तो आप भी जरूर बनाइए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हैप्पी आर्द्रा। बाय बाय।